सो ये है PYQ का पार्ट 4 फ्रॉम द गेट बॉटनी पोर्शन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ मैचेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिलेशन टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन. तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है कि कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शंस आर नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट रिडक्टेज, नेक्स्ट नाइट्रोजिनेज एंड नेक्स्ट इज नाइट्रेट रिडक्टेज. देखिए नाइट्रोजिनेज का काम क्या होता है, सीधी सी बात है नाइट्रोजन को फिक्स करना. तो वी कैन से दैट कि नाइट्रोजिनेज जो है वो सेकेंड के साथ फिट हो सकता है बिकॉज N2 को डायरेक्टली जो है टू मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में दैट इज अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है. तो R को हम 2 ले सकते हैं. R का 2 हमारे पास पहले ऑप्शन में है एंड फोर्थ ऑप्शन में है. ठीक है, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोबैक्टर का काम क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर मेनली नाइट्रिफिकेशन में मदद करता है. और नाइट्रिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ये हेल्प करता है NO2 दैट इज नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में. तो P का हो गया 4. अब P का 4 है और S का 1 है, तो सीधी सी बात है पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. ठीक है, रेस्ट देख लेते हैं क्या बोला है. नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज का काम क्या होता है मेन अगर तरीके से देखा जाए तो ये नाइट्राइट को रिड्यूस करता है. सो नाइट्राइट रिडक्टेज का काम होता है NO2- को NH4+ में चेंज कर देना. ये हो गया क्यू का, हो गया कौन सा, दैट इज 3. नाइट्रेट रिडक्टेज का काम क्या होता है, नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देना, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है NO3- को NO2- में कन्वर्ट कर देना. दिस विल बी 1. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज 4-3-2-1. हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है. और ये पूछा गया है आपके नाइट्रोजन साइकिल पोर्शन से, या फिर आप इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हो. इस एरिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिलेशन टू द इकोलॉजी. ग्रुप 1 में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे के रखा है एंड ग्रुप 2 में उनका ओवरऑल नाम बता के रखा है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है. आपको करेक्ट मैच यहाँ पे देखना है. पहला है द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट. वैसे फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था. तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का उसे हम हैबिटेट का नाम देते हैं. तो हैबिटेट हमारा सेकेंड में मेंशन है. नेक्स्ट है द टोटैलिटी ऑफ नीड्स ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर सर्वाइवल एंड इट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये हो गया. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन. और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे इसके साथ मैच हो जाएगा. तो जो ज़्यादा कॉमन होता है पहले आपको उसे पिक करना होता है ताकि किसी भी एंगल से गलत होने के चांसेस ना बने. तो पी का 2 हो गया, आर का 1 हो गया. पी का 2 आर का 1, देखिए बी ऑप्शन में ऐसा मेंशन है. नेक्स्ट देखते हैं, एस बोला है बेसिक फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट. इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इकोसिस्टम. जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है जिसमें लिविंग कम्युनिटी होती है और उसका इंट्रैक्शन उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से हो रहा होता है तो उसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं. बच गया हमारे पास क्यू. क्यू जो है जैसे कि बोला है टोटैलिटी ऑफ नीड ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड इट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम नीड का नाम दे सकते हैं. ओके, बाकी तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है नहीं कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे के रखा है. तो हमारा जो आंसर हो जाता है दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बाई प्लांट रूट्स ऑफन इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन रूट एंड सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म. तो जो नाइट्रोजन का एंड फॉस्फोरस का अपटेक होता है प्लांट के थ्रू, मेनली प्लांट का जो रूट पोर्शन होता है वो इसका अपटेक कर रहा होता है, या एक्चुअल में किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है. और इनके बीच में अगर हम रिलेशन के इन्वॉल्वमेंट की बात करें या इंट्रैक्शन के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो रूट और कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है.
बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अपटेक ऑफ दीज टू न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअल में कौन सा दो यहाँ पर एसोसिएशन है जो कि इन दोनों नाइट्रोजन फॉस्फोरस को अपटेक करने के काम में आता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन एंड एल्गी फॉर फॉस्फोरस। सेकेंड इज बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन एंड नीमाटोड्स फॉर फॉस्फोरस। देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में बैक्टीरिया की ऑब्वियसली यहाँ पर रोल प्ले होता है, और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो आपको याद होगा फॉस्फोरस के लिए हमने देखा था माइकोराइजर एसोसिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई भी थी। थर्ड में बोला गया है नीमाटोड्स फॉर नाइट्रोजन फंजाई फॉर फॉस्फोरस, जो कि गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन एंड माइकोराइजा फॉर फॉस्फोरस। ऑफकोर्स द करेक्ट आंसर इज डी। ऑब्वियसली ये सारा पोर्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उम्मीद करती हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस द रोल ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द रूट। यहाँ पे ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप के रोल को बता रहा है ड्यूरिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट मेनली इन द रूट सिस्टम। पहला है सिम्प्लास्ट टू एपोप्लास्ट करवाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि गलत है। नेक्स्ट है एपोप्लास्ट टू सिम्प्लास्ट करवाता है, बिल्कुल सही। आपने ध्यान दिया होगा जब भी वाटर का मूवमेंट होता है तो वो जनरली एपोप्लास्टिक एरिया को ही कंसिडर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस आता है वहाँ पे एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलता है एंड दैट इज वाई वाटर को सिम्प्लास्टिक रूट जो है लेकर चलना पड़ता है। हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज अ ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन सर्व एज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ दिस एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो इसके लिए एज अ मतलब यू नो मतलब सोर्स की तरह काम करता है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट, आप इसको जैसे मैंने आपको कहा था एक लिस्ट रेडी कर लीजिएगा, जो भी इस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लिस्ट रेडी कर सकते हैं, इनिशियली भी मैंने कहा था, जिससे कि आपको उन चीज़ों पे फोकस करने में आसानी होगी जहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्लांट के इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। पहला है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, बिल्कुल एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स देखे जाते हैं, हमने फाइटोएलेक्सिन के फॉर्म में भी देखा था, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ये भी देखा जाता है। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर दैट इज PRR, हमने इसका भी थ्योरी देखा था। इंटरल्यूकिंस मेनली मैमल्स के सिस्टम में देखे मैमल्स के सिस्टम में देखे जाते हैं, ये प्लांट के केसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा था कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है प्लांट के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, आंसर विल बी डी, इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल फिनोमिनन। कौन सा यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा न्यूट्रल फिनोमिना होगा। पहला है नेचुरल सिलेक्शन, देखिए अब नेचुरल सिलेक्शन तो ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है तो ऑब्वियसली एक न्यूट्रल सिलेक्शन में नहीं हो सकता है। सेक्सुअल सेलेक्शन भी अच्छा खासा चेंज लेकर आता है क्योंकि किसी को सेलेक्ट किया जाता है और किसी को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज द चेंज। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया यानी पॉपुलेशन बॉटलनेक हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन रह गए हमारे पास, क्योंकि नेचुरल सेलेक्शन एंड सेक्सुअल सेलेक्शन के लिए हम श्योर हैं कि इन ये जो है चेंजेस लेके आते हैं, ये न्यूट्रल फिनोमिना नहीं है। लेकिन अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखें तो वी नो कि अगर आपने न्यूट्रल सिलेक्शन पढ़ा है लाइक न्यूट्रल बेसिस पे जो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस आता है, मेनली जो मोटू किमुरा के थ्रू दिया गया था, दैट इज जो मॉलिक्यूलर लेवल पे था, डीएनए एंड प्रोटीन के लेवल पे था, आपको देखने को मिलेगा इन इवोल्यूशन पोर्शन, जिसमें मोटू किमुरा ने ये कहा था कि मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं या सिलेक्शन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और थ्योरी दी थी कि एक बड़े लेवल पे जो मतलब कि अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो वो कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेकर आता है, और साथ ही साथ जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें
एक मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने को मिलता है, वो अक्सर इफेक्ट जो है न्यूट्रल शो करता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, जो कि मूटो किमुरा के थ्रू दिया गया था, और उसी में उन्होंने अपने एक पोस्टुलेट में ये चीज कही थी। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में उन्होंने मेंशन किया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के इफेक्ट के बेसिस पे हमें एक न्यूट्रल सिलेक्शन देखने को मिलता है अगर हम डीएनए लेवल पे स्टडी करते हैं, तो वी कैन गो विद जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब आप बोलोगे पॉपुलेशन बॉटलनेक के लिए हम क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड पॉपुलेशन बॉटलनेक की अगर हम बात करते हैं, तो पॉपुलेशन बॉटलनेक इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जेनेटिक ड्रिफ्ट कहना बेटर रहेगा, क्योंकि मूटो किमुरा का जो न्यूट्रल थ्योरी था मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के लिए, उसमें बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में कोई भी मेंशनिंग नहीं थी, लेकिन यस जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में जरूर थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन गो विथ सी। नेक्स्ट मेंशन है, व्हेन अ प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन एट वन साइट, द डिस्टल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड नेबरिंग प्लांट डेवलप इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द सब्सिक्वेंट पैथोजन अटैक। तो बोला जा रहा है कि जब एक प्लांट इन्फेक्ट होता है पैथोजन के थ्रू एक पर्टिकुलर साइट पे, तो जो डिस्टल पार्ट होता है यानी दूर का पार्ट होता है प्लांट का या फिर नेबरिंग पोर्शन, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है इससे पहले कि पैथोजन अटैक करे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मीडिएट दिस लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल, एक्चुअल में कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो इस लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल को मेंटेन कर रहा है। ऑप्शंस आर नाइट्रिक ऑक्साइड, इथिलीन, जैस्मोनिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, फोर्थ इज सैलिसिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये जिस टाइप की रेजिस्टेंस की बात की जा रही है डिजिटल बेसिस पे चीज़ों को कराने की, तो इसमें सैलिसिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें मैं दे चुकी हूँ। ये एक्चुअल में कैसे इन्फॉर्म करता है डिजिटल पार्ट को, तो उसमें सैलिसिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी थ्योरी बता के रखी है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं समझ जाते हैं तो इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो द आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द थ्री प्लॉट पी क्यू एंड आर इन डिफरेंट यूनिट्स, जो कि यहाँ पे मेंशन होके रखा है, इन द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट दैट इज पी आर, लीफ एक्सपेंशन रेट दैट इज एल ई आर, एंड ट्रांसलोकेशन रेट ऑफ एसिमिलेशन दैट इज पी आर इन द प्लांट ऑन अ लीफ वाटर पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमें एक्स एक्सिस पे लीफ वाटर पोटेंशियल बता के रखा है, और ये शुरू हो रहा है जीरो से यानी प्योर वाटर से, और ये जा रहा है माइनस 3.0 पे। ओके, अब आपको देखना है कि पी क्यू आर किस चीज़ को डिनोट कर रहे होंगे। जब वाटर का कंसंट्रेशन जस्ट जीरो के बाद है, तब कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि मैक्सिमम है, देख सकते हैं ये मैक्सिमम यहाँ तक है, यानी पी मैक्सिमम है, तो पी यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम, क्योंकि लीफ का जो एक्सपेंशन रेट होता है, मतलब लीफ का जो एक्सपेंशन होता है वो वाटर पे डिपेंडेंट होता है, वाटर अगर हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो लीफ का एक्सपेंशन रेट हाईएस्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि जैसे ही वाटर पोटेंशियल जीरो से क्रॉस कर रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट कि सबसे पहले जो इफेक्ट होने वाला पार्ट होगा वो होगा लीफ का एक्सपेंशन रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी है, ऑल दो इट मे इंडिकेट टूवर्ड द एल ई आर, दैट इज लीफ एक्सपेंशन रेट। नेक्स्ट आता है क्यू। अब Q क्या होगा, जो Q को हम क्या शो करेंगे, हमारे पास दो ही चीज बच गई है, दैट इज पी आर एंड टी आर। तो Q को अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो फोटोसिंथेसिस रेट होता है वो भी वाटर की अवेलेबिलिटी से अफेक्ट होता है। तो क्योंकि जब वाटर का पोटेंशियल मतलब कि जीरो से लेस हो चुका है यानी नेगेटिव पे जा चुका है, तो भी इस पॉइंट पर कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि अभी भी मैक्सिमम काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये टूवर्ड्स दी माइनस थ्री जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है ये पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस इट मे बी द फोटोसिंथेसिस रेट, राइट। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो एक्चुअल में अगर जनरली होता है, अगर आपने डिटेल में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एक पोर्शन का पार्ट नहीं होती हैं, ये आपको थोड़ा सा आप डिटेल में जब प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाईएस्ट वाटर है,
ओके एंड यहाँ पे अगर हम लोएस्ट वाटर की बात करें, लोएस्ट वाटर का मतलब हो गया लोएस्ट वाटर पोटेंशियल, तो सबसे पहले हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल पे जो है आपको लीव का एक्सपेंशन रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिडिल में कहीं पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट अफेक्ट होगा, एंड आफ्टर दैट जो ट्रांसलोकेशन रेट होता है जहाँ पे चीज़ों को ट्रांसलोकेट किया जाता है वो यहाँ पर अफेक्ट होगा। तो दिस इज द होल केस, इस तरीके से हम चलते हैं। तो ये एक्चुअल में रिलेशन बनता है। अब इसको तो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में दे दिया है, तो ग्राफिकल फॉर्म में ही हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पर आ चुका है तो उस टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो मैक्सिमम है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव होने का मतलब होता है वाटर का अमाउंट कम हो जाना। तो वेरी ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आते ही ये पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्यू जो है फोटोसिंथेसिस रेट को बता रहा है। आर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आर अभी भी इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और ये कौन सी चीज हो सकती है? ऑब्वियसली ट्रांसलोकेशन रेट हो सकता है एसिमिलेट का। एसिमिलेट कहने का मतलब क्या हो गया? फूड का ट्रांसलोकेशन। तो फूड का ट्रांसलोकेशन पे उतना ज्यादा प्योर वाटर का फॉर्मेट या प्योर वाटर का प्रेजेंस उतना अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए वाटर के मतलब वाटर के कम कंसंट्रेशन बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं तो फूड का ट्रांसलोकेशन आराम से हो रहा होता है, क्योंकि उसमें शुगर मेजर कंपोनेंट होता है जो कि ट्रांसलोकेट होता है। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम भी हो गया, नेगेटिव बेसिस पे भी हो गया, तो भी एफिशिएंट तरीके से लाइक ट्रांसलोकेशन होता रहता है एसिमिलेट का। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव यानी ये पॉइंट बता रहा है लेस वाटर कंसंट्रेशन को, तो ये और ज्यादा कम हो जा रहा है। तो वी कैन से दैट आर जो है कहीं ना कहीं ये ट्रांसलोकेशन रेट को बता रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पी को हम एल ई आर कह सकते हैं, और पी यहाँ पर एल ई आर है, यहाँ पर एल ई आर है, तो मतलब बी और सी तो यहीं से हट जाते हैं, राइट। उसके बाद हम क्यू को पी आर कह रहे हैं, और क्यू यहाँ पे टी आर दे के रखा है जो कि किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पी आर दिया है। तो वी कैन से दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पिन प्रोटीन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकलाइज्ड कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। फोर डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स आर शोन इन द डायग्राम बिलो लेबल्ड एज P1 to P4। अब P1 आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा P2, P3 and P4। एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्लो Which among these is most likely to be the pin protein? Arrow बता रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, आपको बताना है इसमें से पिन प्रोटीन कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम इन जनरली देखते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि पिन प्रोटीन हमेशा बेसल एरिया में रहता है, ठीक है, बेसल एरिया यानी ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, और इसका काम होता है कि पिन प्रोटीन का काम होता है कि ऑक्सीजन को सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट में लेकर जाना। अब सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट में कौन कौन लेकर आ रहा है? पहली बात तो सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट में ले जाने का काम कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। एपोप्लास्ट वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया है। जितने भी यहाँ पे P1, P2, P3 हैं, ये क्या कर रहे हैं? P1, P2 and P3 ये सभी क्या कर रहे हैं? ये एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि जो पिन प्रोटीन होता है ये सिम से एपोप्लास्ट में लेकर जाता है। सिर्फ P4 ही ऐसा है जो कि सिम से एपोप्लास्ट में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद P4 ही पिन प्रोटीन है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें तो ये लगेगा कि शायद ये तो एपेक्स में प्रेजेंट है, मतलब ये एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट है, राइट। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मतलब कि जस्ट रोटेट कर दें, यानी अगर इस सेल को अगर हम इस तरीके से रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो ये यहीं पे बनेगा, और रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये सेल जो है कहाँ चला आएगा? इस तरफ चला आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं इसको 1 and 2 कहूँ, तो इसको रोटेट होने के बाद ये हो जाएगा 1 and 2, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसको पूरा डायग्राम को जो है इस तरीके से रोटेट कर देना है, तब आपको समझ में आया कि यस दिस इज राइट, ये वाला एरिया बेस बन जाएगा, ये वाला एरिया एपेक्स बन जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, और किसी एंगल से भी, क्योंकि पिन प्रोटीन हमेशा ही सिम से एपोप्लास्ट में लेकर जाता है। वी कैन से दैट द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक आप कह सकते हो एक अनएक्सपेक्टेड बेसिस का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको सॉल्व करने का।
बोला गया है द सेल सरफेस एक्सपैंड्स डिफरेंट इन द डिफरेंट प्लांट सेल. द सेल सरफेस होता है वो डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड होता है डिफरेंट प्लांट सेल में. दो कॉमन मोड होते हैं एक्सपेंशन के जो कि एक्स और वाई में शो करके रखा है. एक्स एंड वाई में दोनों मोड शो करके रखा है. ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट अ सेल मार्क्ड विद द डॉट ऑन इट्स सरफेस. जो एक एक रेक्टेंगल बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल को जो कि डॉट के फॉर्म में बता के रखा गया है यहाँ पे. स्पेसिंग बिटवीन द डॉट चेंजेस आफ्टर द सेल हैज अंडरगॉन एक्सपेंशन एज इंडिकेटेड बाय द एरो. और जैसे जैसे सेल एक्सपैंड करेगा वैसे वैसे चेंजेस आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ रूट हेयर एंड पॉलन ट्यूब. आपको पॉलन ट्यूब एंड रूट हेयर दोनों के बेसिस पे बताना है कि कौन से पैटर्न को फॉलो करेगा. तो देखिए, चाहे हम रूट हेयर की बात करें चाहे हम पॉलन ट्यूब की बात करें, हमेशा जो इनके अंदर एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. अगर आप वाई को देखते हैं तो वाई हर हाल में यूनिफॉर्म एक्सपेंशन को बता रहा है. यूनिफॉर्म यानी आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन है. लेकिन चाहे रूट हेयर की बात कीजिए चाहे पॉलन ट्यूब की बात कीजिए, इनमें जो एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है कि इनिशियली ये यूनिफॉर्म बेसिस पे चल रहे होते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही इनका लेटर फेज आता है एक्सपेंशन ज़्यादा ज़्यादा शुरू हो जाता है. तो इस बेसिस पे अगर हम कहते हैं तो एक्स एक्स का जो मोड ऑफ एक्सपेंशन है वो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा, रूट हेयर के लिए एंड पॉलन ट्यूब के लिए. ऑप्शन है बोथ ग्रो एज शोन इन द एक्स, यस वी कैन गो विद दिस. नेक्स्ट, बोथ grow as shown in the Y, no. Pollen tube grow with the shown in the X and root will grow as shown in the Y. ये भी गलत and ये भी गलत. तो we can say that the A is the correct answer. Next question है, देखते हैं क्या बोला है. The continuous and the dash line in the following graph represent the velocity of sap flow in two different part of the plant at a different time of the day. तो जो sap होता है, सैप का कंटिन्यूस बेसिस पे फ्लो देखा जा रहा है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, और मेनली दिन के टाइम में एंड रात के टाइम में, क्योंकि यहाँ पे नाइट दे के रखा है यहाँ पे डे दे के रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दे के रखा है वो सबसे बेस्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द डे एंड नाइट. तो देखिए, अगर आप आंसर पढ़ते हो ना तो यहाँ पे आपको आंसर ट्विग एंड ट्रंक के फॉर्म में पूछा गया है. तो अगर आप नॉन बॉटनी स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए ट्विग एंड ट्रंक क्या होता है. यहाँ पे मैंने पिक्चर लेकर रखा है, देखिए ये रहा ट्रंक, ठीक है, और ये जो पोर्शन होगा ये होगा ट्विग. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दिन के टाइम में मैं आपको बता दूं दिन के टाइम में ट्विग में जो है हाई फ्लो हो रहा होता है, बिकॉज वहाँ पे फोर्सेस भी वैसे ही बन रहे होते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में वेरी ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी रोल प्ले कर रहा होता है और भी बहुत से फैक्टर रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो एरियल पोर्शन होता है, एरियल पोर्शन में जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है सैप के फ्लो की वो हाइएस्ट देखी जाती है. तो ये जो आपको ये जो सॉलिड लाइन दिख रहा है ना, वेरी ऑब्वियस वी कैन से दैट कि डे के टाइम पे जो सॉलिड लाइन है दिस इज समहाउ रिप्रेजेंटिंग दी ट्विग. और ट्रंक में अगर देखा जाए तो ट्रंक में डे के टाइम में काफी ज्यादा कम होता है, एंड फॉलोड इन नाइट ऑल्सो, नाइट में भी इनमें कम देखा जाता है, दैट इज ट्रंक एरिया में. तो डॉटर लाइन के लिए हम जो है यहाँ पर ट्रंक यूज कर सकते हैं. ऑप्शन अगर देखते हैं तो कंटिन्यूस लाइन रिप्रेजेंट द ट्रंक, जो कि गलत है. कंटिन्यूस लाइन रिप्रेजेंट द ट्विग, फिर इस डॉटेड लाइन दी ट्रंक. यस वी कैन से दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया. ऑल दो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको अपने थोड़े से कहते हैं ना कि एक डिटेल बेसिस पे इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, स्पेशली जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है. तो अगला क्वेश्चन है द बेसिक टी नेट ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ अरेबिडोप्सिस फ्लावर डेवलपमेंट आर शोन बिलो अलॉन्ग विद द डायग्राम. यहाँ पर ए क्लास बी एंड सी क्लास मेंशन है. बोला है ए क्लास जीन एक्टिंग अलोन डिटरमाइन द सेपल आइडेंटिटी. ए क्लास अकेला सेपल बनाता है, ए प्लस बी एक साथ जो है पेटल्स बनाते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है ए एंड बी. बी एंड सी एक साथ मिलकर जो है स्टेमन बनाते हैं, ये रहा बी ये रहा सी. सी अकेला कार्पल बनाता है और सी एक दूसरे के म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होते हैं, इनहिबिट करते हैं एक दूसरे को. बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अरेंजमेंट इज फाउंड इन ए क्लास म्यूटेंट.
कौन सा यहाँ पे अरेंजमेंट ए क्लास म्यूटेंट में देखा जाएगा? तो देखिए, अगर नॉर्मल फिनोटाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट रोल में ए ए एक्सप्रेस करता है जिसकी वजह से सेपल देखने को मिलता है। सेकेंड रोल में ए प्लस बी एक्सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से पेटल्स देखने को मिलता है। थर्ड में बी एंड सी एक्सप्रेस करते हैं दैट विल गिव राइज टू स्टेमन। एंड फोर्थ में अकेला सी एक्सप्रेस करता है दैट विल गिव राइज टू दी कार्पल। अगर हम यहाँ पे ए को म्यूटेट कर देते हैं तो क्या होगा, ए की जगह पर सी आकर एक्सप्रेस करेगा जिसकी वजह से कार्पल बनेगा। यहाँ ए की जगह पर सी आ जाएगा जिसकी वजह से स्टेमन बन जाएगा। ये तो स्टेमन ही रहेगा, ये तो कार्पल ही रहेगा। तो ये जो फिनोटाइप हमने बनाया दिस इज अ म्यूटेंट फिनोटाइप। तो ए क्लास म्यूटेंट जो देखने को मिलेगा उसमें हमें ये फिनोटाइप मिलेगा दैट इज कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। अगर हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो हमें बी मिल जाता है दैट इज कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट व्हेन अप्लाइड इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस कर देगा जब हम उसे प्लांट के एरियल पार्ट में अप्लाई करेंगे। ऑप्शंस आर फॉस्फोन डी, पैराक्वेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वेलिनोमाइसिन। ऑब्वियसली द आंसर विल बी थर्ड। ट्रांसपिरेशन के पोर्शन में मैंने आपको कुछ लिस्ट दी थी, इसमें वैक्स का भी ऑप्शन था कि कौन कौन से ऐसे एंटी ट्रांसपिरेशन फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हो गए या कौन कौन से केमिकल हो गए जिसे हम अप्लाई कर दें तो ट्रांसपिरेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल मूव। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट सेशन में। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। Use करिए कोड WEDME20 for getting the 20% discount. WEDME, educating India. WEDME, educating India.